Hello everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on simple calculation of ionic constant A, extent of ionization alpha and pH of weak acid. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं और ये लेक्चर क्लास 11 से आयोनिक इक्विलिब्रियम से लिया गया है। इसके पिछले 8 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, ये 9th नंबर का वीडियो है। अगर आप क्रम से सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप पहले दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इससे पहले के सभी वीडियो जरूर देख लें, आपको बहुत फायदा होगा अगर आप 11th के साथ जी या नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है इस पर कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं कि आयोनिक कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं किसी वीक एसिड का। उस पर दो हेडिंग और एक्स्ट्रा आपको सिखा देता हूं, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जिसे कहते हैं, सेम चीज है। और उसमें यहां पर वीक एसिड का पीएच निकालना बताऊंगा आपको। तीनों ही फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है और जी और नीट के एग्जाम में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और डिस्क्रिप्शन अगर आता है तो 11th का डिटेल क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे लिखना आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको किसी वीक एसिड का आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट निकालना है तो पहले इसका वीक एसिड का आयोनाइजेशन करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए मैंने कोई वीक एसिड लिया है यहां पर एच ए, ये आपका वीक एसिड है, ठीक है। इसको मैं एक्वस सॉल्यूशन में यानी एच टू ओ लूंगा, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया। और इसमें ये जो साइन में लगा रहा हूं ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का है, ओके। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम इसका जब निकालेंगे तो वीक एसिड है तो यहां पर के ए लिखूंगा मैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट को के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर इसको इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ये एच पॉजिटिव है और ये ए नेगेटिव है। एच टू का ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर से ये प्रोटॉन आकर के जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा यहां पर H3O पॉजिटिव प्लस हमारे पास बचा A नेगेटिव। ये इसका पार्शियली आयोनाइज होता है, ये है हमारा वीक एसिड। कैसा है वीक एसिड। अब मैंने यहां पर एच ए क्यों लिया है, आप एच एक्स ले सकते हैं, आप रियल में कोई एसिड ले सकते हैं जो भी वीक हो। तो ये कॉमन इसलिए दिखा रहा है कि किसी भी वीक एसिड के लिए ये काम करेगा आपके लिए, आपको फॉर्मूला निकालना इसी से सीखना है। अलग अलग बुक में अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ, आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एच ए माना है, आप एच ए से कैलकुलेशन सीख लीजिए। एक ही जगह आप एक्स मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, जो भी मानना है आप मान लीजिएगा और अपना कैलकुलेशन करिए। अगर आपको ये कैलकुलेशन में H3O पॉजिटिव से कंफ्यूजन होता है तो आप इसे H3O पॉजिटिव मींस H पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं तब भी राइट है। देखिए एच ए वीक एसिड, ओके, और डायरेक्ट इसका आयोनाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। यहां पर लिख दो H2O, ऐसे दिखा दीजिए एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, ए निकालना है, तो ये एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव। ऐसे भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे H3O पॉजिटिव से सॉल्व करो या एच पॉजिटिव से, आंसर आपका एक ही आने वाला है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, के ए निकालना है। तो सबसे पहली बात है आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट के निकालना है। तो आपको इसमें क्या सीखना है, मेन चीज ये सीखना है इसमें कि जैसे एचओ है तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं सी मान रहा हूं, यहां पर एचए का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, सी होगा,
टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा, यानी इस समय एच जो होगा वो जीरो और जीरो मोल लिखा जाएगा। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं, एट इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इस सी जो है काम होता जाएगा और ये वाला इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि पार्शियल यहां पर आयोडाइजेशन हो रहा है तो बहुत कम आयोडाइज होता है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सी अल्फा से और ये भी मैं सी अल्फा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ आयोडाइजेशन है तो इसमें से सी अल्फा कम कर दीजिए सी में से, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सी माइनस सी अल्फा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इस सी में से मैंने सी अल्फा कम कर दिया, तो इसको सिंपल करके और क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं दो कॉमन है तो ये कॉमन लिख दीजिए सी और ब्रैकेट में लिख दीजिए वन माइनस अल्फा। ये आपका कैलकुलेशन तो आप निकाल ही लेते होगे मैथमेटिकली, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सी वन माइनस अल्फा लिखो या सी माइनस सी अल्फा एक ही चीज है। तो इसको हम कहते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इनिशियल कंसंट्रेशन और एट इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन हमारी बनती है। अब हमें क्या निकालना है, के निकालना है, तो देखिए बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है कि के अगर मुझे निकालना है इज इक्वल टू, तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे, तो यहां पर लिखूंगा मैं सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन आ जाएगा सी वन माइनस अल्फा। पिछले वीडियोस में भी मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको कंसंट्रेशन के फॉर्म में सिखाई है, न्यूमेरिकल आपको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना होगा, इसलिए आपको ये सी वन माइनस अल्फा लिखना सीख लेना चाहिए कि मैं ये जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है इसको कैसे मैं लिख रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो C है ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहां पर मैं लिखूंगा जो नीचे अल्फा है ये लेस देन वन होना चाहिए, तब तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू वन मोल से ज्यादा है तो आपको अल्फा निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना होती है, वो मैं इसमें अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारे ज्यादातर न्यूमेरिकल जी और नीट के इससे निकालते हैं। तो अगर ये लेस देन वन है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए के ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला हमारा बना, चूंकि हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए निकालना है तो हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा डायरेक्ट के निकालने के लिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सी क्या है, सी आपका है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और अल्फा है एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। ये दो चीजें आपको याद रखिए। अब मुझे चूंकि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन अगर अल्फा निकालना है तो देखिए ये फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा के ए अपॉन सी। बताइए होगा कि नहीं, एक ही चीज है ये वाला। और अगर मुझे अल्फा निकालना है तो ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के ए अपॉन सी। ये मैथमेटिकली इतना सा सॉल्व है, इस फॉर्मूले का भी हमें यूज करना है, इस फॉर्मूले का यूज भी करना है, और डायरेक्ट अगर अल्फा निकालना है तो के अपॉन सी, ये हमारा एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है। इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल निकलते हैं। अब आपको यहां तक समझ में आ गई, दो चीजें हमारी निकल आई, एक तो के निकल आया वाला डायरेक्ट, या हमें अल्फा निकालना है तो दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। रियल वे में हमें पीएच निकालना है तो पीएच कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बी कैसे, ये हमें निकालना है।
अभी अभी क्या क्या निकल गई, दो चीजें मेंशन हो गई, एक तो आपका के निकाल दिया, दूसरा मेरे लिए अल्फा आपको निकालना सिखा दिया है। अब पीएच निकालना है, तो बस आपको ये इक्वेशन ध्यान रखना है, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव इज इक्वल टू होता है सी अल्फा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एच पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना है सी अल्फा है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। और इसी में आगे मैं लिख सकता हूं एच पॉजिटिव इज इक्वल टू सी, और इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू ये है इंटू अंडर रूट के अपॉन सी, ये मैंने वैल्यू रख दी क्योंकि मुझे पीएच निकालना है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जानना जरूरी है। तो यहां पर मैंने सी अल्फा लिखा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी सी इंटू के अपॉन सी। इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, एच पॉजिटिव इज इक्वल टू सी को अंदर ले जाइए, ये मैं ले जाना सिखा रहा हूं आपको, तो ये डबल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है सी इंटू सी इंटू के। देखिए मैंने सी को अंदर ले गया तो के हो गया दो बार, और सी नीचे है या सी निकाल फिर इसको इसको काट देते हैं, तो ये वाली इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी अंडर रूट के ए इंटू सी, ये बचा हमारे पास केवल केवल के ए इंटू सी, सिंपल है। अब हमारा इसको यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक तैयार रखेंगेगा, इसको लॉग के फॉर्म में अगर हम लिखे जाए, नेगेटिव लॉग के फॉर्म में इसको लिखा जाए, तो ये हमारा पीएच निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए ध्यान रखिए पीएच माइनस माइनस लॉग एच पॉजिटिव, ये आपका पीएच वैल्यू मैंने सिखाई थी तब बताया था, ये इक्वल टू पीएच होता है। इसी टाइप से माइनस लॉग के इक्वल टू पी के ए होता है, ये दो चीजें वैसे ही याद रखना है आपको, पीएच के फॉर्मूले में सिखाया था, तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखें जरा कैसे हो जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा चीज हो गई। अब यहां देखिए इसे मैं लिख रहा हूं माइनस लॉग एच पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग, और इसको कैसे लिखेंगे ब्रैकेट लगाओ और इसमें लिख दो के इंटू सी, और ये जो आपका स्क्वायर रूट है इसको लिखा जाता है वन बाई टू, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये मैंने कई बार सिखाया है इसलिए आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप मेरे हिसाब से आगे बढ़ते जाओ, बस ये जो अंडर रूट लगा हुआ है इसको वन बाई टू से रिप्रेजेंट करके सिंपल ब्रैकेट लगा दे। माइनस लॉग के रूप में मैंने सभी को लिखा है, तो आप देखिए माइनस लॉग के रूप में जब लिखा है तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, माइनस लॉग एच पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या होता है पीएच होता है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा इस एक बटे दो को इधर ले आइए, तो माइनस वन बाई टू मैंने यहां लिखा, लॉग को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लॉग के हो जाएगा, इंटू में लॉग का प्लस होता है तो प्लस लॉग सी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए और सिंपल कर दिए, सिंपल ही करते चले जाएंगे, आगे जब हम जाएंगे तो देखिए अब क्या करना है, इस माइनस जो आप देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा पी एच इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस लॉग के ए, और माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस लॉग सी। देखिए ये फॉर्मूला बन गया, अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू पी के ए होता है, तो मैं यहां पर नया फॉर्मूला बनेगा हमारा पी एच इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस लॉग के ए क्या हो जाएगा पी के ए, और ये माइनस लॉग सी को जैसा का जैसा लिख देते हैं कंसंट्रेशन है तो माइनस लॉग सी। देखिए ये बन गया, इस फॉर्मूले को और भी खोलना है, ब्रैकेट आपको खत्म करना है तो एक तरीका है इसका, तो यहां पर लिख लीजिए, यहां पर पी एच इज इक्वल टू वन बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाई टू पी के ए माइनस वन बाई टू लॉग सी, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। इससे हम इससे रिलेटेड
कोई भी अवेलेबल होगा हम आसानी से निकाल पाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? ये सारी स्टेप्स मैंने पिछले वाले वीडियो में सॉल्ट का जो पीएच निकलवा रहे थे तब भी इस टाइप की प्रोसेस का यूज किया है। तो ये दो फॉर्मूले यहां पर विशेष तैयार कर लीजिए कि पीएच को कैसे लिखना है और पीकेए को कैसे लिखना है। और ये हमारा हो जाता है फाइनल फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, देखिए ये तो ये फॉर्मूला तैयार करना है। डायरेक्ट प्रोसेस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वन ए करना है आपको, और अगर अल्फा निकालना है तो आपको ये डायरेक्ट ए वाला फॉर्मूला तैयार करना है। ये दूसरा वन टू और तीसरा ये फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर टू एंड फॉर्मूला नंबर थ्री। ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए, आपको इनका सिंपल कैलकुलेशन आपको सिखाया है। आयोनिक कांस्टेंट ये कैसे निकालते हैं, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन यानी अल्फा आपको निकालना बताया है इस फॉर्मूले से, और लास्ट में आपको एसिडिक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं। अगर आपका पूरा क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्विंग ऐसे ही देना पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन में अगर आईटी में आता है या नीट में क्वेश्चन अगर आपके लिए आता है तो आपको इन तीनों फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद करके भी जा सकते हो। इन क्वेश्चनों को कैसे अप्लाई करते हैं मैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट में आपको सभी सिखाने वाला हूं। अभी पहले आप सारी चीजों को थ्योरेटिकल पार्ट को आपको निकालना सीखना है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ये निकालना आपको सीखना है कि मैं जीरो जीरो कैसे लिखा हुआ है और इसमें से सी माइनस सी अल्फा कैसे, वहां पर संख्याएं मिलेंगी तो उन संख्याओं को आपको कैसे माइनस करना है मैं आपको न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और के निकालना आपको आना चाहिए हर किसी का, या के भी निकालना है तो बी बेस का निकालना है, उसके बाद में सॉल्ट का निकालना है। तो सॉल्ट में सभी के पीएच मैंने निकालना आपको बताया है, वो आपको आना चाहिए, तो आपको न्यूमेरिकल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।